हेलो गैज, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस तरह का आज आपको पॉज बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका और बहुत आसानी से एक बार देख लेंगे तो बच्चा भी बना सकता है इसको। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों हमने इसके लिए क्या करना है, 9x9 का हमने इसमें ये कपड़ा लेना है, इस तरह से 9x9 का लेना है। और इससे पहले मैं आपको ये पॉज दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस तरह का बनाना है हमने, एक पॉकेट आगे एक पीछे बीच में, और 1.5 इंच का हमने ऊपर से निकाल देना है इसके लिए, इस तरह से 1.5 इंच निकाल दिया हमने ऊपर से। इसको हमने कट मारना है, कटिंग करके इस तरह से कटिंग करके हमने बाहर निकाल देना है, और इसको इस तरह से नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करते हुए और सीधा रखते हुए इसको चैन लगानी है इस तरह से। देखिए, चैन लगा दिया हमने, और इसको डबल सिलाई भी लगा देनी है, और इस तरह से हमने काट दिया, और इसी के ऊपर हमने ये 1.5 इंच का पट्टी को काट रखी है, और 1.5 इंच पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए हम इस पर भी सिलाई करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इस पर भी हम डबल सिलाई मारेंगे दोस्तों, ये देखिए, तो डबल सिलाई हो गई, ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसमें एक रनर डालना है, कुंडा डालना है, जिसको कुंडा डालना नहीं आता, मेरी कुंडे की वीडियो पड़ी हुई है डालने के लिए, इस तरह से कुंडा डालना है, और तो हमने कुंडा इसमें डाल के ये रख दिया, और इस तरह से आलतू फालतू उसको काट देते हैं, छटाई कर देते हैं। और अब लेना हमने एक अस्तर, अस्तर के ऊपर ये रखना है उल्टा, अस्तर को रखना सीधा है, चैन को रखना है ऐसे उल्टा, इस तरह से इसको सिलाई मारनी है दोस्तों। जो हमने सिलाई मार दी, और उसी चैन को हमने निकाल के ऊपर से इसमें भी दोबारा से उसी चैन को दोबारा से सिलाई मार दी है उल्टे से, बाकी हिस्से को फालतू हम छाड़ लेते हैं इस तरह से, और ऐसे सीधा कर लेते हैं इसको। सीधा करते हुए यहाँ से मशीन रखते हुए इस सीधा को पूरा सिलाई कर लेंगे हम चारों तरफ से, इस तरह से पूरा सिलाई करते हुए। ये हमारी पूरी सिलाई होते हुए दोस्तों यहाँ पूरा हो गया है, ये सिलाई हमारी पूरी हो गई, और बाकी ये फालतू फालतू हम सब काट दीजिए अस्तर टुकड़ा, जो धागे वागे निकले होंगे सब काटते हुए फिर इसके साथ। और हम इसमें क्या करेंगे, आप बिल्कुल सेंटर सेंटर पर निशान देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसी फोल्ड के ऊपर हमें सिलाई मारेंगे दोस्तों फ्रंट पॉकेट के लिए। ये देखिए, ये हमारा सिलाई लग गई है, और इसमें भी हमें रन डाल लेंगे इस तरह से, ये हमारा रन डल चुका है, एक बार डालने के बाद दोबारा डाल लेना, इस तरह से रन डल गया है। और इस पर हम सिलाई मारेंगे, इधर से भी मारेंगे, दोनों तरफ सिलाई मारेंगे इस तरह से, और हमारे पास बीटिंग है, बीटिंग को लगा देना है दोनों तरफ से, इस तरह से बीटिंग लगा देना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। ये देखो, बीटिंग लग गई है, इसको हमने उल्टा कर लिया, सीधा करना है अब, और किसी पेचकस मदद से या किसी चीज़ से इसे कोना निकालना है, तो ये पेचकस ले लिया हमने, इसे कोना निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पाउच रेडी हो चुका है, और देखिए इस तरह से ये पाउच ये हो गया, ए पॉकेट ये हो गई, अगले ए पॉकेट ये हो गई, ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया, इस तरह की बीटिंग, इस तरह से दोस्तों ये बनाना है। देखिए हमारा ये पाउच तैयार हो गया है, और आप इसी तरह से छोटा भी बना सकते हो, इसमें बड़ा बना सकते हो, जिसे बनाया मैंने फार्मूला उसे छोटा बड़ा जितनी मर्जी बना सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करो, सिंगल बनाना है तो इस तरह से चैन लगा दिया करो, तो सिंगल बन जाएगा आपका, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो को। धन्यवाद।